पर कॉफी विद करण की बात करें तो इस शो में करण जौहर के काफी क्लोज फ्रेंड शाहरुख खान तो हमें ऑलमोस्ट एवरी सीजन दिखाई देते हैं, लेकिन इस सीजन हमें शाहरुख खान नहीं दिखाई देने वाले हैं और इसकी एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग वजह सामने आई है। बता देते हैं आपको आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते शाहरुख खान जो है नहीं नजर आने वाले हैं करण जौहर के कॉफी विद करण के काउच पे। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है क्या इन दोनों के बीच कोई फॉलो आउट हो गया है, क्या ये दोनों अभी फिलहाल कोई इश्यूज एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई रीजन हो सकता है जिसके चलते इस सीजन कॉफी विद करण में करण जौहर के साथ नहीं नजर आएंगे शाहरुख खान। तो ऐसा कुछ है नहीं, रीजन कुछ और है, आइए आपको बताते हैं। मैं वेदांगी करण एक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल फीफा फूस पे। बता दें इस सीजन हमने ऑफ कोर्स रणबीर और आलिया को एक साथ देखा था गली बॉय के बाद ऑन द सेम काउच, और अब रॉकी और रानी के प्रेम कहानी में भी दिखाई देने वाले हैं जो करण जौहर की ही मूवी है, और उसके साथ साथ समंता रोहित प्रभु, अक्षय कुमार, कृति सैनन, जानवी, सारा अली खान, देर इज गोइंग टू बी वरुण धवन, अनिल कपूर, जानवी कपूर भी आने वाली है, विजय देवरगौड़ा अलोंग विद अनन्या पांडे, शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी से कई सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। सो इन सब के बीच आखिर क्यों शाहरुख खान नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल आ रहा है। उसका जवाब खुद दिया है उनके दोस्त करण जौहर ने, और उन्होंने कहा है कि यह शाहरुख खान ने ये बात सच में कही है कि इस साल वो नहीं आने वाले हैं कॉफी विद करण में, और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि वो मीडिया और पब्लिक का माफ कीजिए जो इंटरेक्शन है वो नहीं चाह रहे हैं, पठान के लिए रख रहे हैं, क्योंकि अगले साल पठान भी आ रही है, जवान भी आ रही है, हमें शाहरुख खान को देखने का मौका मिलने वाला है इन मूवीज़ में, दुनकी भी आ रही है। सो शाहरुख नहीं चाहते हैं कि इतने समय से जो वो स्क्रीन से दूर रहे हैं, तो अभी एक चैट शो के चलते सामने आए, वो चाहते हैं कि जो इंतज़ार फैंस ने किया है उन फैंस का इंतज़ार जो है थिएटर्स में ही ख़त्म हो, और थिएटर्स में शाहरुख खान को देखने के लिए फैंस आए, इसीलिए शाहरुख चाहते हैं कि वो फ़िलहाल दूर रहे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मीडिया इंटरेक्शन, क्योंकि वो सुनामी चाहते हैं बॉक्स ऑफिस पर, और शाहरुख खान की फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं, इसके चलते वो नहीं इस बार हमें कॉफ़ी विद करण में नज़र आएंगे, इस तरीके से खबर खुद करण जौहर ने मीडिया पोर्टल को दी है। क्या कुछ कहना है आपको इस बारे में, आई यू गोइंग टू मिस शाहरुख खान दिस योर कॉफी विद करण पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई विल सी यू गाइस।